नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के एक और बेहतरीन मिनी ट्रक के बारे में बात करेंगे, जो कि एलसीवी सेगमेंट के अंदर आता है। ये है अशोक लेलैंड का पार्टनर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे इसके प्राइस, इसके स्पेसिफिकेशन, इवन इसके माइलेज के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम फ्रंट से लेकर के। यहाँ पर आपको फ्रंट में अशोक लेलैंड की बैजिंग दिखाई देती है, सिल्वर फिनिश के साथ में ये आती है। यहाँ पर आपको हनीकॉम, यहाँ पर आपको जालियाँ मिल जाती है, जो कि इंजन को कूलिंग करने के लिए भी कह सकते हैं काम में आती है। प्लस इसके सामने के लुक को काफ़ी अच्छा करती हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत एक बम्पर मिल जाता है। हालाँकि ये जो बम्पर है फाइबर बॉडी के अंदर है, अनब्रेकेबल फाइबर का इसमें यूज किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपको हेडलाइट मिलती है विद इंडिकेटर, और दो आपको यहाँ पर सामने की साइड में रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। रही बात इसकी विंड स्क्रीन की करें तो सामने की साइड में आपको काफ़ी वाइड इसकी विंड स्क्रीन मिलती है, जिससे आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। प्लस आपको दो वाइपर मिलते हैं सामने की साइड में। और दोस्तों, चलिए केबिन के अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरह का व्यू हमें दिखाई देता है। BS4 इंजन इसके अंदर मिलता है हमें फिलहाल, BS6 अभी आया नहीं है। आएगा तो मैं उसका भी आपके लिए रिव्यू बनाऊंगा। डोर पर आपको कुछ इस तरह की बनावट यहाँ पर देखने को मिलती है, काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा इसका डोर है। यहाँ पे आपको ग्लास अप एंड डाउन करने का कंट्रोल मिलता है, डोर ओपन करने का मिलता है। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा एक ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाता है। रही बात दोस्तों केबिन के अंदर की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत और अच्छी और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप दो लोगों को उधर बिठा सकते हैं। हेडरेस्ट के साथ में ये सीट आती हैं। ड्राइवर की जो सीट है, आप इसको फोर वे डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे की साइड में झुका सकते हैं, आगे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है। आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के यहाँ पर आपको पेडल्स मिल जाते हैं। ये जो स्टेयरिंग मिलता है दोस्तों, आपको टिल्ट विद टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में आता है। काफ़ी खूबसूरत इसका स्टेयरिंग है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है ड्राइवर के स्टेयरिंग के पास में ही। और यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर एक स्टेप भी मिलता है, फुट स्टेप भी मिलता है। चलिए दोस्तों, स्टेयरिंग के ऊपर हम बैठ के देख लेते हैं कि कैसा फील हमें सामने की साइड से आता है। तो दोस्तों, ये है इसका स्टेयरिंग, काफ़ी सॉफ्ट है। फिलहाल ये जो गाड़ी है आपको पार्टनर पावर स्टेयरिंग के साथ में अवेलेबल होने वाली है। यहाँ पे बीच में आपको अशोक लेलैंड का लोगो देखने को मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वही वाइपर के कंट्रोल, राइट हैंड साइड में आपको जो है लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर हमें इस तरह का एक सिंपल सा लेकिन देखने में काफ़ी प्यारा एक स्पीडोमीटर, इवन आपको धूप है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती हैं। स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर वगैरह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखाई देती हैं। और डैशबोर्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह का इसका डबल कलर्स के अंदर, यानी कि डुअल टोन कलर के अंदर आपको इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पर काफ़ी सारे यूटिलिटीज पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक आपको यहाँ पर अपना कुछ सामान रख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें आपको ब्लोअर जरूर मिलता है ताकि आपको गर्मी में राहत मिल सके। यहाँ पे आप अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ फिट कर सकते हैं। ये ब्लोअर्स के ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है आपको, अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे कुछ और बटन्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको एक ग्लोव बॉक्स भी इसके अंदर मिल जाता है, और साइड में भी आपको एक बॉटल होल्डर इसके अंदर मिल जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत बनावट है अंदर केबिन की। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स भी दिखाई देते हैं को पैसेंजर साइड में, और एक छोटी सी यहाँ पे आपको रूम लाइट भी दिखाई देती है, साथ ही आपको सनवाइजर मिल जाता है ड्राइवर साइड के अंदर। और काफ़ी अच्छी इसकी रूफ है। पीछे की साइड में यहाँ पर आपको छोटा सा एक विंडो दिखाई देता है, जिसको कि आप ज़रूरत के हिसाब से अपना यूज कर सकते हैं, हवा लेने के लिए, पीछे के सामान की निगाह रखने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। पीछे की साइड में यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है, जिसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर प्लस आपके टूलिंग्स वगैरह रखने के लिए कुछ जगह मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा लीवर मिलता है, जिसको हम पार्किंग ब्रेक लीवर के नाम से जानते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक आपको हैंडल और मिलता है, अगर आपके पैसेंजर्स बैठते हैं तो उनकी ग्रिप के लिए। और दोनों ही सीट पर आपको जो है सेफ्टी बेल्ट मिल जाती है, जिनका आप यूज कर सकते हैं। रही बात दोस्तों इसके गियरबॉक्स के बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके अंदर 5 gear फ्रंट और 1 gear रिवर्स की व्यवस्था होती है। छोटा सा लीवर है, जिसको जस्ट लाइक ए कार यू कैन यूज। और यहाँ पर आपको ब्लोअर्स के जो सेटिंग करने के कुछ नॉब्स मिल जाते हैं इस तरह के। तो ये बेसिक सी इसकी केबिन है, जहाँ पर आपको 12 volt का यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग का प्रोविजन भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बाहर की बात कर लेते हैं हम। दोस्तों, पार्टनर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा व्हील बेस मिलता है, 2670 mm के व्हील बेस से लेकर के 3350 mm के व्हील बेस, यानी कि 4 व्हील बेस ऑप्शंस के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल है। फिलहाल दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं, ये गाड़ी आपको 17 feet कार्गो बॉडी ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है आपके सामने। और ये जो गाड़ी है दोस्तों, आपको 10 feet से लेकर के
14 फीट 11 फीट और 17 फीट तक के कार्गो बॉडी लेंथ एरिया के अंदर ये गाड़ी आपको अवेलेबल होती है। दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों का एक जो क्वेश्चन है वो ये रहता है कि सर आप इसका ऑन रोड प्राइस बताइए, तो दोस्तों मैं आपको इसके प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। ये गाड़ी आपको लगभग 11.5 लाख रुपये से लेकर के 13-13.5 लाख रुपये के अंदर इसके चारों वेरियंट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको 10 फीट 11 फीट 14 फीट और इवन आपको 17 फीट तक के कार्गो बॉडी ऑप्शंस के साथ में ये गाड़ी आती है। चलिए दोस्तों हम इस गाड़ी के ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं, तो ये गाड़ी आपको चार तरह की लेंथ में मिलती है, 4920 mm से लेकर के 5990 mm तक की लेंथ में ये गाड़ी आती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको 90 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ में आती है। अपने इंजन के अंदर कोई भी इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको यहाँ से जो है क्या नाम है इसको टिल्ट कर सकते हैं इस केबिन को। और यहाँ पर दोस्तों हम इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को देखें तो यहाँ पर आपको एक्साइड की बैटरी मिल जाती है, 12 बोल्ट के कनेक्शंस के साथ में आती है ये गाड़ी और काफ़ी अच्छे इसके अंदर आपको ड्यूरेबल टायर मिलते हैं। टायर की बात करें तो टायर आपको यहाँ पर 16 इंच की स्टील व्हील रिम के साथ में ये गाड़ी आती है, काफ़ी मजबूत चेसिस पे इसको बनाया गया है। यहाँ पर आपको जो बॉडी मिल रही है ये आपको हाफ बॉडी ऑप्शन के अंदर भी ये गाड़ी अवेलेबल है, प्लस आपको केबिन विद चेसिस भी अवेलेबल है, इवन आपको फुल बॉडी ऑप्शन के अंदर भी ये गाड़ी अवेलेबल हो जाती है। प्राइसिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ, लगभग 11.5 लाख से लेकर के 13.5 लाख की रेंज में सारे के सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। 10 किलोमीटर प्रति लीटर का आपको ये माइलेज देने वाला एक व्हीकल है, यानी कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल है दोस्तों। माइलेज के लिहाज से अशोक लीलैंड की जो गाड़ियाँ हैं जैसा बोला जाता है वैसे ही ये माइलेज देती हैं। अब इसके हम बाकी डिटेलिंग्स के बारे में आपको और बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर पीछे की साइड में आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, साथ ही आपको पीछे की साइड में गार्ड भी मिलता है। इवन आपके अगर पीछे से कोई टू व्हीलर वगैरह या छोटे वाहन जाते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए कंपनी ने यहाँ पीछे की साइड में आपको गार्ड भी दिया है। और पीछे का लुक अगर हम केबिन का इसका कार्गो बॉडी का देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, काफ़ी वाइड आपको यहाँ पर बॉडी देखने को मिल जाती है। अभी फ़िलहाल गाड़ी खड़ी हुई है तो इसके अंदर थोड़ा कचरा हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये फुल बॉडी है दोस्तों सामने की साइड में, पीछे की साइड में आपको अशोक लेलैंड की जो उभरे हुए अक्षरों में बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पीछे की साइड में आपको पार्किंग लाइट्स और ब्रेक लाइट और इंडिकेटर्स कुछ इस तरह के व्यू में दिखाई देते हैं। अगर इस गाड़ी के मैं पेलोड के बारे में आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों ये लगभग 4.6 टन तक का आपको पेलोड ले जाने की जो है क्या नाम है रेडी रहती है। लगभग आप 4.5 टन का इसका कंपनी पासिंग जो है वो पेलोड है, लेकिन आप इसके अंदर लगभग 5.5 से 6 टन तक का भी लोड आराम से लेके जा सकते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों जापानीज टेक्नोलॉजी पे इस गाड़ी को बनाया गया है। इस गाड़ी के अंदर आपको पावर मिलता है 118 एचपी का, 2953 सीसी का इसका हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इसमें ZD30 डीजल इंजन का यूज किया गया है जो कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, टर्बो चार्ज ये इंजन होता है। और इस गाड़ी से हमें दोस्तों 320 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 1350 RPM से लेके 2600 RPM के आसपास। दोस्तों वहीं इसके अंदर क्लच की बात करें तो 280 mm डायमीटर वाले क्लच का यूज किया गया है। और ट्रांसमिशन तो दोस्तों आपको बता ही चुका हूँ, इसमें 5 फ्रंट मिलते हैं, 1 रिवर्स आपको मिलता है जिसके अंदर फुल्ली सिंक्रोमस गियरबॉक्स का यूज किया गया है। फ्रंट में सस्पेंशन आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर के साथ में। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना पाया हूँ ये सागर फ्यूल इंजेक्शन जो कि देवास नाका इंदौर के पास में है, अगर आप इंदौर के आसपास से मुझे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप इंदौर के बाहर से देख रहे हैं तो आप नियरेस्ट किसी भी अशोक लेलैंड डीलरशिप के पास में जाकर के इस गाड़ी का प्रैक्टिकली ड्राइव टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, प्लस आप वहाँ के लोकल जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में आप शेयर जरूर करिएगा। पहली बार अगर आप ऊषा की किरण मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए दोस्तों कि आपको और कौन सी गाड़ी के बारे में रिव्यू चाहिए या अशोक लेलैंड के कौन से वेरियंट का आप रिव्यू चाहते हैं। तो आज के लिए इतना दोस्तों, कल फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।